हाँ चलो अकेले नहीं होगी चॉपिंग भाई, दो दो लोग करेंगे आज। क्या करें बताओ, चले चलो ना। डरो मत यार, हम आपके साथ हैं। भाई दोनों अरे भाई यहीं से यार डर की बात होने लगी है और हम यहाँ से लगभग जाने लग गए। लगभग कितना किलोमीटर होगा से? 22। अब होगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर और बच गया घर से, हम निकल गए लगभग 3-4 किलोमीटर आ गए। बहुत तेज की बारिश आ चुकी है। हम लोग निकले थे कैंपिंग में तो अभी रास्ते में फंसे हुए हैं, तो जैसे तैसे कैंपिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। आराम से चल रहा है ये रास्ते में यार, पेड़ भी गिर रहे भाई। नहीं नहीं देखा गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया है फाइनली, और मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है और आसमान में ये देखो भाई बिजली चमक रही है बराबर। अब हम अपनी लोकेशन पे तो पहुँच गए, लेकिन ऐसी जगह है बिल्कुल भाई जो ओ, ओ, ओ। भाई पहले रुक जा करो, ठंड हो रही मेरे को। कहाँ चलूँ, भीगा भी नहीं है, कहाँ चलूँ? हाँ टेंट लगा तो। अभी जिस लोकेशन पे पहुँच गए काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है और बारिश भी आ रही है। ये छींटे आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ की जो है बारिश आ रही है अभी। और ये देखिए भाई, और हवा बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, ये बहुत ही तेज। ये देखिए रात के लगभग 9:30 होने को जा रहे हैं और हम जिस लोकेशन पे पहुँचे हैं चारों तरफ जंगल है, बस एक यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे रुकने का अड्डा कह सकता हूँ मैं, ये यहाँ पे विश्राम गृह बना रखा है यात्री विश्राम। और यहाँ पे टेंट लगाने का नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सब ओबड़ खाबड़ है, टेंट पिच यहाँ पे आई थिंक नहीं हो पाएगा। तो इसकी ओट में हम सोच रहे हैं कि फटाफट से पहले टेंट को पिच कर लिया जाए क्योंकि आधी तूफान आ रहा है और ऊपर से काफ़ी तेज़ की बारिश भी आ रही है। ये भाई बहुत तेज़ की आ रही है यार, ये भाई पिच कर लें टाइम से है। और ठंड हो गई थी, हम आते आते भीग गए थे काफ़ी ज़्यादा। चलो भाई चलो चलो फटाफट करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से एक और कैंपिंग वीडियो में। तो इसको ऐसे अभी फल बन गया है यार। अरे ये लगाओ लगाओ लगाओ, क्या उधर लगाओ यार। अभी तो हम दो लोग हैं और अभी और साथी लोग आने वाले हैं। आज भी ग्रुप कैंपिंग है, बहुत तगड़ी वाली, बहुत मजा आने वाला है भाई। फटने वाली भी है आज, फटने वाली। हाँ फटनी है भाई। ये जाएगा, हाँ ऐसे ही जाएगा। चलो कसते हैं थोड़ा, लग पता दे। अरे जाएगा छोड़, बस बस तो गाड़ी पर की ठीक है। मैं बहुत भीगा बैठा, मेरे को टच करना था। छोड़ छोड़ना पड़ेगा है, ट्रेन रुको, खींचा ही नहीं है क्यों? हाँ तो ऐसे लगा दिया तुमने, छोड़। बहुत बढ़िया, बारिश आ रही, थोड़ा फास्ट।
इसको भी फोल्ड करो, इसको फोल्ड अंदर को, अंदर को, अंदर को, नीचे से। बस तो भाई सामान अंदर कर लो है ना। तो भाई अपना सामान निकालते हैं अब। लोटा, क्या बात है भाई, इसमें लाए छाछ, एक कुकर, इसमें डाला क्या तुम आलू। तो आज जो बनने वाला है बिल्कुल भाई अलग से, थोड़ा हट के हमने सोचा है। ये हमारे बर्तन, ये सही है, ये हमारा खीरा, ये चावल, क्या बताएं भाई क्या बताएं। ये नहीं निकालता हूं। ये इसकी जरूरत नहीं भाई, बल्ब था बस, और सारा सामान इसमें होगा बल्ब। तो बारिश थोड़ा बहुत हल्की होने के बाद हम लोग आ गए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, और प्रकाश भाई यहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। हेलो सर। सर, सर सर तो भुवन भैया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और शाबाश। ओए आराम से रे। पूरा गिंडा ही जलाएंगे। क्या बात है भाई, हमें बांस की लकड़ी मिल गई, और वो भी सूखा हुआ पेड़, गजब। थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अर्थात मैं फोकस कर रहा हूँ। नीचे को टूटेगा, नीचे को, ऊपर को नहीं। सर नीचे को कहाँ? हाँ प्रकाश भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं, और अगर ये हमारे हाथ पे लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, रात कट जाएगी। लेकिन कच्चा है वो, नहीं पाएगा। कच्चा है? कच्चा नहीं है यार, कच्चा नहीं है भाई, और निकल जाएगा, जड़ से निकालना पड़ा। हाँ खींचो 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 खींचो, क्या बात है भुवंदा। ये है देखो प्रकाश भाई, थोड़ा यार थक जाते हैं ना कभी कभी। ये बन भैया। हाँ चलो तो पूछे और पूछे। ये लग रहा है अपना चूल्हा, ओट में लगाना पड़ेगा आज, वरना हवा से आग नहीं जल पाएगी। आग भी जलावाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हल्का सा इसमें लग जाना बस। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा है अभी आग जलाना। एक दफ़ा तो ऐसा लग रहा था आग जल गई, लेकिन लकड़ियाँ भी गीली हैं और हवा चली बहुत तेज। अपनी बॉनफायर हो चुकी है, और पप्पू भाई फिर से एक नाइट कैंपिंग में। भाई ठंड ठंडी हो रही है आपको? बहुत ठंड, मजा आ गया, लेकिन आग जलाई थी ना जब आप लोगों ने। मैं तो अभी ट्रैवल करके आ रहा हूँ, तो उससे हिसाब से लग रहा है ना, लेकिन बहुत बढ़िया मौसम, मैं ऐसे गर्मी से आ रहा हूँ। ये देखो सबके, और आज एक और भाई साहब है हमारे साथ। भाई का नाम क्या? ललित चिलवाल, वन विभाग फॉरेस्ट चिलवाल। अच्छा क्या बात है। ये भाई अपना फूल निकाल रहा है। चाकू करेंगे पप्पू भाई, मैं क्या बताइए, चाकू को कल वाला चाकू दूं? हां कल वाला दे दो, कल वाले दे दो। पप्पू भाई ने जो फटाफट से कर ली है चॉपिंग प्याज की। ये कुछ हरी मिर्च कोई नहीं है क्या? तेरा भाई हमने तई कढ़ाई कढ़ाई चला दो, पोतना है दादी कढ़ाई को नहीं पोतना। ये आगे भी आ जाएगी तो साथ पानी डाल देंगे। लो भैया कढ़ाई दे दो। उतनी रहे उतनी हो रही है। अकेले नहीं होगी चॉपिंग भाई, दो दो लोग करेंगे आज, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। काम जितना हो सके जल्दी जल्दी करना है ना। प्रकाश भाई कौन सी चॉपिंग हो रही है? अरे भाई हाथ तो धो लो। हेलो काले तो है यार, काले है भैया, हाथ धो लो यार, दिला है यार। तो पप्पू भाई बताएंगे आज क्या बन रहा है। सर जैसे बनता है ना होटल में आलू जीरा, हमारा पहाड़ी आलू जीरा नहीं लाया। आलू के गुटके बनने वाले हैं आज। जो है थोड़ा तेल भी गिर गया है दोस्तों, आते समय आप लोगों ने देखा था कितनी मुश्किलों से आए थे हम लोग। ये फर्स्ट क्लास टमाटर के बाद आलू बन चुके ठंडा। ये होता है ना पहाड़ी टोट का, इससे नमक ज्यादा नहीं होता सुन करके।
टाटा वाला नमक डालो, ये धनिया। अरे भाई साहब ले लो, भाई साहब ले लो। ये क्या बात है भाई, एक के बाद एक सारे मसाले पड़ने लगे। बन गया शायद अब तो काटने। आज तू दो दो चाकू है भाई। चूतिया तुम काट लो एक दूसरे का, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी। ओ भाइयो 12:14 और तैयारी और हो रही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। आलू बन चुके हैं और इधर कुकर रख दिया पप्पू भाई ने। अब बनेगा भाई इधर चावल। पप्पू भाई अब क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा सर पहाड़ी चिकन बिरयानी। अच्छा वेज बिरयानी। वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। चिकन भूल गया था, भूल गया था। देखो इसको रात के चिकन की याद आ गई। खान वेज चिकन, आज हम वेज खाएंगे ना। देखो ये टमाटर है हमारा, इसमें प्याज भी है, लंबी लंबी हमने मिर्च काट रखी है, लेकिन चिकन टमाटर है। अब वेज का आइटम हमें देखो आलू है, अब चिकन का है लेकिन चिकन नहीं। चिकन देखो नहीं। हमारा आलू कटा है लेकिन चिकन का है, चिकन नहीं, वेज बिरयानी। तो अभी तो चिकन क्यों बोला वो रात का चिकन था क्या? नहीं ज्यादा हम लोग चिकन खाते ना तब। ओके इसलिए निकल गई जुबान, फिसल गई जुबान, फिसल गई। यहाँ पर डिस्कस चल रही है पिछले वाली कैंपिंग की। बट भैया मैंने पहले उससे पहले उसका रोस्टेड भी तो बनाया है उसमें ही। ऐसा क्यों? तुम पानी कम पी दो ना। सारा दो लीटर पानी पी दिया भाई। हरी मिर्ची डाल दी और ले दन दनादन टमाटर भी। क्या बात है, ये कुछ इस तरह से दाल डालने का जुगाड़। वो नीचे तो करना रही। ये चावल भी डाल दिया। ये लो भाई हो गया। धनिया। ये हमारे पप्पू भाई ऑलराउंडर खिलाड़ी। मैं तो कच्ची हुई हूँ। ये पानी डाल दिया भाई। भाई लोग आप सभी के लिए गाना ठीक है। एक क्या बात, आप लोग साथ देना ठीक है। पप्पू ठीक है। तुमको देखा ये क्या था? ये नहीं पहले बता दो क्या बोला। तुमको देखा तो लाया तुम घनी धूप में घना छाया। तुमको देखा तो ख्याल आया। गोपाल गोपाल बाबू गोस्वामी जी का बहुत पुराना, मतलब कि एकदम ना दिल को छूने वाला। बिल्कुल। जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया की तेरी सिंह की माता सवारी।
हाथ चक्र सुदर्शन धारी तेरी जय हो ए माता उपटा तेरी जयकार देवी का धूरा जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया हरी मिर्च दे और भी एक मिनट इधर आओ फोटो खींच दो दादी मजा बढ़िया नमक कम लगा बेटे सुन क्या बात है भाई अपना तो भोजन हो चुका है प्रकाश भाई कितना खाओगे यार हेलो कम कम खाओ यार ये क्या बात हुई यार हाँ तो हो गई यार सब खा करके उठ गए देखो भाई देखो अभी भी थाली भर रखी बंदे ने इससे पता चल रहा है कि बंदा काफ़ी ज़्यादा भूखा है और काफ़ी ज़्यादा खाते हैं खाता भी बहुत है भाई सही है ये अपना अभी आलू बच गया है प्रकाश भाई अभी सब कुछ ये सारा निपटा देंगे बॉनफायर यहाँ पर जल रही है और यहाँ पर हमारा है टेंट हेलो सर हेलो पप्पू भाई अंदर चले गए तो बात करते हैं जिस लोकेशन में हमने आज नाइट कैंपिंग कर रखी है तो रोड के साइड में बट चारों तरफ बिल्कुल डीप फॉरेस्ट बहुत घना जंगल सुबह दिखाएंगे इस लोकेशन को और यहाँ से होता है हिमालय दर्शन लेकिन रात को तो कुछ भी नहीं दिख रहा कल दिखाएंगे सुबह चलो भाई मैं घुसूँ अब टेंट के अंदर ओके चलो भाई प्रकाश भाई भी आ गए चटपट भाई खाना फिनिश करके और पप्पू भाई को नींद आ रखी है और दो लोग जो है गाड़ी में सो गए हैं एक्चुअली वो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके आ रखे थे तो रोड पे चले गए और हम लोग टेंट के अंदर तो आराम करें प्रकाश भाई सुबह दिखाएंगे हमने कहाँ कैसी जगह क्या किया हाँ सही बात टाइम कितना हो रहा है लगभग 2:30 बजने को जा रहा है गुड नाइट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्या बात है भाई क्या बात है अरे यहाँ तो कब की धूप आ रही है और ये भूखा सांड देखो गाइस अभी अभी उठा आई उठते ही कल रात अभी सबसे ज्यादा खाया और सबसे पहले अभी उठ करके खाना खा रहे हैं मैं तो सो रहा हूँ आंखों में दर्द हो रहा है 10 बजे उठाना मुझे ओके सारा सामान हम लोगों ने उठा दिया अब टेंट की बारी है टेंट हल्का सूख रहा है और साथ में सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं एक्चुअली यहाँ से पूरा हिमालय का व्यू दिखता है परंतु सारा पूरा धुंध जैसी पड़ी हुई है तो कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है तो ये क्या सुंदर दृश्य है भाई पहाड़ों का और चारों तरफ जंगल है देखो ये बहुत अच्छी लोकेशन बहुत लंबी रेंज दिखती है यहाँ से ये इस तरफ पूरा ही जंगल है चारों तरफ जंगल है ये देखिए पूरा चारों तरफ जंगल
तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं, और धूप भी निकल आई है, लगभग सुबह के 7:30 होने को जा रहे हैं। आई होप गैस आज का ये कैंपिंग वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी फिर देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से एक और कैंपिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।